बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया। और अब हुआ ये है कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ है, उन्होंने फैसला किया है और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है। और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, सबको जो है अनसोल्ड जाना है। इस वजह से बांग्लादेश के सारे प्लेयर अनसोल्ड हो गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर तो होते नहीं आईपीएल के अंदर, मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं यू नो ऑप्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। और एक अफगानिस्तान की टीम है, उसमें उसके काफी क्रिकेटर खरीदे गए। क्रीम के पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर टेस्ट वो जरूर हरा के गए, अदरवाइज उनका कोई प्लेयर मतलब उस तरह से आया नहीं सामने। जहां पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे पैसे लगा दिए गए हैं, वहां पर जो बांग्लादेश के एक भी प्लेयर पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा। और बांग्लादेश के 12 प्लेयर्स इस लिस्ट में मौजूद थे और 12 में से किसी एक पर भी किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे नहीं लगाए। अब इंडिया को ने सोचा कि बांग्लादेश को पनिश कैसे करें, उन्होंने कहा जी खिलाड़ी नहीं लेने हमने आपके, आपके खिलाड़ियों की क्या औकात है, हम खरीदेंगे नहीं। मुझे वैसे ये लगता है कि इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है इन पनिशिंग, ये पॉलिसी तब तक रहेगी जब तक नरेंद्र मोदी पावर में है। कई लोगों का कहना यह भी है कि जय शाह जो इस वक्त के क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, जय शाह को शायद उनके फादर अमित शाह साहब ने और साथ साथ मोदी जी के लोगों ने, साथ मोदी जी वगैरह ने भी शायद यही कहा है कि बांग्लादेश से कोई खिलाड़ी ना रखा जाए और ये यकीनन बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके जरिए जो है वो उनके खिलाड़ी जो है वो अच्छी खासी रकम भी कमाने के काबिल हो जाते थे, जो कि पाकिस्तान को भी ये नुकसान के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बायकॉट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है, अच्छे बॉलर नहीं है, अच्छी फील्डिंग नहीं करते, ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है, इंडिया इज यूजिंग आईपीएल। आईपीएल में जो है वो बांग्लादेशी खिलाड़ियों को जो है वो नहीं खरीदा गया, तो बांग्लादेश फैंस काफी ज्यादा आईपीएल के लिए जो है वो बुरा भला कह रहे हैं कि आईपीएल अच्छी लीग नहीं है, ये वो बातें कर रहे हैं। दरअसल हम आपको बताएं तो बांग्लादेश के प्लेयरों का मेरिट अब वो नहीं रहा कि वो आईपीएल में खेलें। उनकी परफॉर्मेंस किसी भी प्लेयर की, बेस्ट मैन हो, बॉलर हो, किसी भी बॉलर या बेस्ट मैन की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है कि उनको आईपीएल में पिक किया जाए या उनके ऊपर बोली लगाई जाए। तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, इसलिए उससे अफगानिस्तान के बेस्ट मैनों की, बॉलरों की कहीं दर्जे बेहतर बॉलिंग है और इसी वजह से अफगानी प्लेयर जो है वो ज़्यादा आईपीएल में मकबूलियत उनको मिली है और वो ज़्यादा जो है वो खरीदे गए हैं। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलती है अफगानियों की तरफ से भी और जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग में वो शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो इसलिए दूसरे तमाम ममालक के प्लेयरों को जो है वो चूज़ किया गया है। और कोई मसला नहीं है बांग्लादेश के प्लेयरों के साथ आईपीएल का, अलबत्ता उन्हें इसी वजह से पिक नहीं किया गया कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है।